ये एरिया पूरा सेंसिटिव एरिया है, मिलिटेंट इंसर्जेंसी यहाँ पे होते रहते। एक स्मारक यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट तिरोंग अबो जो एक्स मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के थे और उनके बेटे लेट अलोंग अबो जिनका कत्ल 2019 को हुआ था। बाप बेटे दोनों को ही मार दिया गया था और हाल ही में अभी 2023 दिसंबर को भी एक फॉर्मर कांग्रेस MLA युमसेन माते को भी मारा गया था। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं खोनसा टाउन हेडक्वार्टर ऑफ तिरप डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आप वहां देख सकते हैं। अभी सबसे पहले हमें बाबा भाई से मिलना है, वो उनका घर कहाँ पे हमें पता नहीं, फर्स्ट टाइम हम दोनों आए, तो पहले उनका ठिकाना ढूंढना है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। ये गेट पार होने का डाउन जाता है ना, वो उधर से ना। तो दोस्तों यहाँ पे वेलकम टू खोनसा तिरप डिस्ट्रिक्ट का वेलकम गेट आप देख सकते हैं, और ट्रांस अरुणाचल हाईवे रोड यहाँ से होते हुए आप यहाँ से देवमाली जा सकते हैं। देवमाली यहाँ से 36 किलोमीटर, तिनसुकिया यहाँ से 92 किलोमीटर, ईटानगर 340 किलोमीटर, खोनसा टाउन के अंदर जाने वाला रास्ता, और हम यहाँ पे रुके हैं। और यहाँ आकर इतना तो लग रहा है कि खोनसा टाउन जो है चांगलांग से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना तो पता चल गया। अभी पहले भाई को मिलते हैं, उसके बाद देखेंगे। 2 बजने वाले हैं, चांगलांग भी शाम तक वापस पहुँचना है, जितना टाइम मिलता है दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से भी कुछ कुछ दिख रहा है वैसे टाउन का, ये देखिए आ गया बाइक लेके। क्या काम है रास्ता? ये अच्छा का रास्ता, ये क्या सोच रहा था? तो ये लोंगडिंग का है ना? कौन सा टाउन रास्ता? ये नहीं, ये लोंगडिंग वाला रास्ता है, ये देवमाली वाला रास्ता है। तो तो अभी भाई का पीछे पीछे कौन सा टाउन के अंदर जाएंगे अभी। पहले यहाँ से ही तो घुसा था ना, फिर यहाँ से घुमा के वापस आ गया था। अभी हम शुरू में जहाँ से घुसे थे उसी रास्ते से हम घुस रहे हैं, और यही है खोनसा टाउन का रास्ता। देखा थोड़ी देर पहले कितना कॉन्फिडेंस के साथ गलत बोला मैंने, क्योंकि पहली बार फर्स्ट टाइम आके ये खोनसा का रास्ता हो गया। मर्जी से वो लोंगडिंग वाला रास्ता था। ये पुलिस स्टेशन, फाइनली हम कौन सा टाउन में दोबा भाई के रूम में आ चुके हैं। अभी रूम जाते हैं और थोड़ा सा यहाँ लंच वंच करेंगे, शायद दोबा ने लंच बनाया। लंच टाइम, मस्त लंच पका दिया दोबा ने। आए पोर्क, बढ़िया। चलिए दोस्तों अभी शाम के 3 बजने वाले हैं और अभी थोड़ा सा समय है चांगलांग जाने से पहले, यहाँ खोनसा टाउन को घूमेंगे। ये मिनी सेक्रेटरियट, वो खोनसा का नया सर्किट हाउस वहां बन रहा है। कौन सा में देखो, पार्किंग के लिए भी अलग से सेपरेट बिल्डिंग है, ऊपर में गाड़ियां पार्क है। तो कौन सा टाउन के बीचों बीच ये एक स्मारक यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट तिरोंग अबो जो एक्स मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश के थे उनके और उनके बेटे के याद में, लेट अलोंग अबो उनके याद में इसे बनाया गया है, और ये टाउन के बीचों बीच में है उनके मेमोरी, उनके स्मारक के रूप में लेट तिरोंग अबो एक्स मिनिस्टर और उनके बेटे लेट अलोंग अबो जिनका कत्ल 2019 को हुआ था, 21 मई 2019 को जिनका बाप बेटे दोनों को ही मार दिया गया था। ये न्यूज़ पूरा इंडिया में फैला था, आप लोगों ने भी सुना होगा, और जैसा कि मैंने कहा ये एरिया पूरा सेंसिटिव एरिया है, मिलिटेंट इंसर्जेंसी यहाँ पे होते रहते हैं, और हाल ही में अभी 2023 दिसंबर को भी एक फॉर्मर कांग्रेस MLA युमसेन माते को भी इसी तिरप डिस्ट्रिक्ट में ही मारा गया था किडनैप करने के बाद। तो इस तरह से है। तो अभी हम फिलहाल ठीक खोनसा टाउन के बीचों बीच घूम रहे हैं, यहाँ पार्किंग लॉट है, अभी थोड़ा मार्केट घूमेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे।
ये है क्या मार्केट लाइन। तो कौन सा मार्केट में हम घूम रहे हैं थोड़ा देखने के लिए यहाँ का मार्केट कैसे है। पूरा ऐसे डाउन से उतर रहे हैं फिर बाद में वापस चढ़ाई चढ़ के जाना है। तो कुछ इस तरह से है कौन सा मेन टाउन मार्केट। यहाँ हर तरफ दोनों तरफ ज़्यादातर कपड़े की दुकानें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए लेफ्ट एंड राइट यहाँ कपड़ा सस्ता होता है क्या? नहीं दाम दिल्ली मार्केट में दिल्ली बाजार। ओह सब्जी मंडी डेली मार्केट 5 से शुरू। अच्छा नहीं तो ये है कौन सा टाउन का मेन डेली मार्केट। यहाँ पे ढेर सारी सब्जियाँ है लोकल सब्जियाँ। तो उसके बाद अभी एक गली के अंदर घुस गए हम दाखिल हो गए पता नहीं यहाँ क्या है फिर देखते हैं। तो जहां हम घूम रहे हैं मार्केट के बीचों बीच ये खोनसा का लोअर मार्केट इलाका एंड कंपैरेटिवली अगर कहे तो काफी साफ है साफ सुथरा है और चलने के लिए यहां पे बहुत ही अच्छा पेवमेंट बनाया है। अच्छा है साफ सुथरा है काफी बाकी मार्केट के मुकाबले। ओके लोअर मार्केट का एंड यहाँ तक एंड है उसके बाद मेन रोड आ गया। गाड़ी कहाँ में रखा था कंपनी एक एक टी शर्ट ले देगा बोल रहे दो बार हम दोनों को कौन सा की यादें कलर नहीं तीनों के लिए जितना कलर है दिखाना व्हाइट ब्लैक दोनों में से ही प्रेफरेबली और कंपनी के लिए तो जो भी पता नहीं और दो भाई के लिए पता नहीं 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 कंपनी इसका नाम है ना भैया का नाम है ये देखिए मैं एक दिन का अमेज़न नेटफ्लिक्स का है नहीं है कौन रखता है कौन रखता लोअर मार्केट खोनसा से निकल रहे हैं अभी 4 बजने वाले हैं अभी थोड़ा सा नीचे तरफ जाएंगे उसके बाद हम और दोली निकल जाएंगे चांगलांग के लिए और हमारा शॉपिंग जो है हो चुका है दोबा और कंपनी ने एक एक टी शर्ट कंपनी खरीद दिया और मेरे लिए एक टी शर्ट कंपनी ने खरीद दिया। बताना कैसा लग रहा है दुकान में लेने के साथ साथ सीधा नया कपड़ा ही पहन लिया थैंक यू कंपनी। तिनसुकिया कौन सा एपीएसटी बस अंधेरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अभी हम तीनों मार्केट से देवमाली वाला रोड जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था इस तरफ आ गए हैं क्योंकि यहाँ से खोनसा का टाउन का व्यू अच्छा आता है तो वो व्यू देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए इस तरफ आए हैं। चलिए आपको खोनसा टाउन दिखाते हैं 1 2 3 तो दोस्तों ये है खोनसा टाउन का जो तिराप डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर है उसका एक सुंदर सा व्यू। वहाँ नीचे वो है एसपी ऑफिस और उधर है ग्राउंड जनरल ग्राउंड
चांगलांग भी ऐसा ही है ना, पहाड़ में, पूरा पहाड़ में ही आपको पूरा अप एंड डाउन स्लोप वगैरह ही मिलेगा पूरा टाउन में। देवमाली जाने वाला रोड ये। तो अभी दोस्तों कौन सा टाउन का व्यू आपको दिखाने के बाद और खुद भी देखने के बाद, सुंदर सा इस व्यू को देखने के बाद, अभी टाइम है हमें यहाँ से वापस जाने का। वहाँ में दोबा भाई को छोड़ना है, उसके बाद हमें निकल जाना है यहाँ से चांगलांग। एंड आई थिंक अभी 4:15 हो चुका है, तो चांगलांग पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, तो शायद यहाँ से चांगलांग तक का सफ़र आपको हम नहीं दिखा पाएंगे। तो चलो फाइनली इस व्यू को बाय बाय करते हैं और चलते हैं वापस। क्या क्या बदला बदला बोल दिया ना। तो दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी मैं और दोलू यहां से निकल रहे हैं वापस चांगलांग के लिए। चांगलांग पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगा, इसीलिए फिलहाल के लिए मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग गाइज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये था तिरप डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर खोनसा टाउन, जहाँ पे वांचो, तुत्सा और नोक्ते का घर माना जाता है इसे खास तौर पे। और अभी यहाँ पे तो जैसे कि आपने देखा, सभी जैसे अरुणाचल में सभी कम्युनिटी, भारत के हर एक क्षेत्र के लोग यहाँ पे मिलेंगे, सब बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पे रहते हैं आराम से। तो ये हमने थोड़ा सा टाइम निकाल कर कौन सा आपको दिखाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अभी चलिए मैं और दोलू आप दोनों को, आप सबको दोनों तो चलिए अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं, मैं और दोनों यहाँ से चांगलांग के लिए। आप सभी तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। बहुत ही जल्द फिर से एक नए ब्लॉग में मिलते हैं, टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय हिंद।